दोस्तों पंजाब किंग्स को आखिरी दो ओवर में चाहिए थे 29 रन, फिर हुआ मैदान पर यह चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 में आज का बेहद ही शानदार मुकाबला दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से शानदार जीत दर्ज की है दिल्ली कैपिटल ने और आखिरी 12 गेंदों पर कैसे 29 रनों को बचाया। ये सब जानने के लिए दोस्तों बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी दिल्ली कैपिटल की इस शानदार जीत से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो हम बात करें दोस्तों शुरुआत की, तो आज के मुकाबले में सिक्का उछाला मयंक अग्रवाल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, और टॉस जीतकर मयंक अग्रवाल ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया दिल्ली कैपिटल को। दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर और सरफराज खान, लेकिन शुरुआत बेहद ही खराब रही और पारी की पहली गेंद पर डेविड वार्नर के रूप में बड़ा विकेट चटकाया लियाम लिविंगस्टोन ने और पहली सफलता दिलाई पंजाब किंग्स को। लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श ने सरफराज खान के साथ मिलकर काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने शुरू की और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हुई। इस दौरान यहां पर पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 59 रन जोड़े। लेकिन दोस्तों पावर प्ले में ही 5वें ओवर की सेकेंड लास्ट गेंद पर सरफराज खान के रूप में दूसरा विकेट गिरा दिल्ली कैपिटल का। सरफराज खान काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 16 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन उनको अर्शदीप सिंह ने आउट किया। राहुल चहर ने उनका कैच पकड़ा और दूसरी सफलता दिलाई पंजाब किंग्स को अर्शदीप सिंह ने। वहीं पर इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ललित यादव पहली गेंद पर कैच आउट हो गए थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही कि वो गेंद नो बॉल थी और यहां पर वो बच गए, नहीं तो यहां पर बैक टू बैक 2 विकेट गंवा चुकी होती दिल्ली कैपिटल की टीम। लेकिन इसके बाद ललित यादव ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस साझेदारी ने टीम के स्कोर को 98 रनों तक पहुँचाया, लेकिन इसके बाद ललित यादव के रूप में टीम को तीसरा झटका लगा और उनका कैच पकड़ा पानुकार राजपक्सा ने और अर्शदीप सिंह को दूसरी सफलता मिली और टीम को तीसरी सफलता दिलाई। वहीं पर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत से काफ़ी शानदार पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज ऋषभ पंत कप्तानी पारी नहीं खेल पाए। उनके बल्ले से सिर्फ एक ही छक्का देखने को मिला। लिविंगस्टोन की गेंद पर शानदार छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर वो स्टंपिंग आउट हो गए और काफ़ी बड़ा झटका यहां पर दिल्ली कैपिटल को टीम को लगा। ऋषभ पंत जब आउट हुए तो तब टीम का स्कोर 12 ओवर में 107 रन था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रोमन पावेल भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर लियाम लिविंगस्टोन का शिकार बने। इनका कैच शिखर धवन ने पकड़ा और लियाम लिविंगस्टोन की यह तीसरी सफलता थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर सारी जिम्मेदारी मिचेल मार्श और अक्षर पटेल के ऊपर आ गई थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच 37 रनों की पार्टनरशिप भी हुई और एक अच्छा स्कोर की तरफ टीम बढ़ रही थी, तभी 19वें ओवर में मिचेल मार्श को कंगिसो रबाडा ने पेवलियन की राह दिखाई। उन्होंने 48 गेंदों पर 63 रन बनाए और इसके बाद अक्षर पटेल ने 20 गेंदों पर 17 रन बनाए, जिसके चलते टीम 20 ओवर में 159 रनों तक पहुंच सकी। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत तो काफ़ी शानदार रही, जहां शिखर धवन और जॉनी बेरिस्टो ने शुरुआत से ही काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की। जॉनी बेरिस्टो ने 15 गेंदों पर शानदार 28 रन बनाए तो वहीं पर शिखर धवन ने 16 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए मात्र 3.5 ओवर में 38 रन जोड़ दिए। लेकिन इसके बाद पहला सफलता मिली दिल्ली कैपिटल को जॉनी बेरिस्टो के रूप में, उनको एंड्रिक नोर्के ने पेवलियन की राह दिखाई। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद शिखर धवन और राजपक्सा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पानुका राजपक्सा इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद शिखर धवन भी चलते बने, यानी कि टीम ने 53 रनों पर अपना दूसरा विकेट गंवाया तो 54 रनों पर अपना तीसरा विकेट शिखर धवन के रूप में गंवाया। तो वहीं पर 55 रनों के स्कोर पर मयंक अग्रवाल के रूप में 4वां विकेट गंवाया तो वहीं पर 61 रनों के स्कोर पर लियाम लिविंगस्टन के रूप में 5वां विकेट गंवाया पंजाब किंग्स की टीम ने। तो वहीं पर दोस्तों विकेटों का ये सिलसिला यहां पर भी नहीं रुका। इसके बाद हरप्रीत बरार के रूप में 6वां विकेट 67 रनों के स्कोर पर गिरा तो वहीं पर ऋषि धवन के रूप में 7वां विकेट 82 रनों के स्कोर पर गिरा, यानी कि एक के बाद एक विकेट पेवलियन लौटते रहे। हम बात करें लियाम लिविंगस्टोन की तो वो सिर्फ 3 रन बनाए तो मयंक अग्रवाल अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि हरप्रीत बरार एक तो ऋषि धवन 4 रन बनाकर पेवलियन लौटे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के सामने कोई भी बल्लेबाज
कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संघर्ष जरूर किया जितेश शर्मा, जिन्होंने 34 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर राहुल चेहर ने भी 24 गेंदों पर 25 रन बनाए, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। और दिल्ली कैपिटल की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर की रही, जिन्होंने 4 सफलताएं प्राप्त की और यहां पर दिल्ली कैपिटल को शानदार जीत दिलाई इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबले में। दोस्तों आपके हिसाब से दिल्ली की जीत का हीरो कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।